आगी को ले आइए। प्रोफेसर आगी, में एक लिस्ट है हमारे पास, और इस सुल्तानपुर में जो जो पूरा कांड हुआ उसके बाद से मंगेश यादव, अनुज सिंह ढेर हैं। गिरफ्तार कौन कौन है? विपिन सिंह, अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, सचिन सिंह। फरार कौन है? अरबाज, फुरकान, अंकित यादव। अब ये पूरी लिस्ट है, चेतन जरा इसे चलाइए स्क्रीन पर, ये सारे लिस्ट है। अब सीधी बात ये है कि मेरे लिए ये लिस्ट उन अपराधियों की है जिन्होंने एक एक अपराध को अंजाम दिया है, लेकिन आज मजबूरी हो गई कि हमको ऐसे देखना पड़ रहा है। इनकी जाति कौन सी है? अच्छा, अनुज सिंह ढेर हो गए, उनकी जाति क्या है? अच्छा, तो एक एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो रहा है यूपी में। ये वाली चर्चा हमें करनी पड़ रही है, ये बड़ा दुखद है प्रोफेसर आगे। सुचरिता, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे लोकतंत्र का इतना पतन होगा और लोकतंत्र को चलाने वाले हमारे नेता इतने नीचे गिर जाएंगे कि अपराधियों की वो जाति गिनना शुरू करेंगे। अभी एक मित्र में मेरे अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए ये इनकाउंटर हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा भाई इनकाउंटर की संस्कृति है, इनकाउंटर की संस्कृति क्या हो या फिर डकैतों की संस्कृति हो? मुलायम सिंह की पूरी राजनीति जो थी वो डकैतों को, चंबल के डकैतों के साथ शुरू हुई थी, और चंडल के डकैतों को उन्होंने कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दें और हम आपको माफीनामा दे देंगे। मजेदार बात यह है कि उनमें से अधिकांश डकैत जो थे वो यादव समाज से ही थे, और मुलायम सिंह ने अपने अनौपचारिक प्रतिबद्धता से मुकर करके जितने यादव थे उनका भी इनकाउंटर करवाया था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि वो बहुत दगाबाज आदमी थे, उनका कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हमको याद होना चाहिए कि मथुरा के अंदर एक यादव था जिसका, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को चैलेंज करता था, और उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर घुसती नहीं थी उसका, वो इतना बड़ा गिरोह था, वो था दुर्भाग्य से वो यादव था। यहाँ पर भी हमने देखा कि विकास पंकज यादव की इनकाउंटर में मृत्यु हो गई। वो कौन था पंकज यादव? वो अतीक अहमद का शूटर था, और वो अतीक अहमद का शूटर था और मुलायम सिंह परिवार के बहुत नजदीकी भी था। तो ऐसे इनकाउंटर में मारे गए यादवों के प्रति, यदि मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, यदि मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव यदि संवेदना व्यक्त करते हैं तो बहुत हैरानी वाली बात होती है। एक आंकड़े पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए जी। 2017 से अब तक कम से कम 11,000 इनकाउंटर हो चुके हैं, और उस 11,000 इनकाउंटर में आप पाएंगे कि 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। मृत्यु कितने को हुई है? मृत्यु जो है वो मुश्किल से 250 के, 223 से 224 उसमें मर्डर हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि 13 पुलिस वाले भी हैं। जख्मी होने वाले में यदि आप देखेंगे तो उसमें भी 125-26 जो है वो पुलिस वाले। प्रोफेसर आगे यही बात डीजी भी सर कह रहे थे, गलत इनकाउंटर होता तो क्या पुलिस वाले जानबूझकर के अपने, एग्जैक्टली डीजीपी सर ने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा, आपने ये तो कह दिया ये सरेआम ठोको फोर्स है, आपने ये तो कह दिया कि भाई ये तो इनकाउंटर करने के मकसद से उतर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जिनकी जान जा रही है उनका कोई पूछ नहीं रहा है, और उनकी भी तो जाति देख लीजिए। जवाब दे दो। हाँ, जल्दी से दे दीजिए। शास्त्री जी, मैं अरुण जी के पास जाता हूं, बोलिए ना। एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, जिस सवाल का जवाब, सुनो, जिस सवाल का जवाब डीजीपी साहब को भी देना चाहिए। राजू जी तो प्रोफेसर है, अब है कि नहीं है वो जाने, लेकिन वो प्रोफेसर है तो जवाब वो भी देंगे। ये 19 साल 18 साल 20 साल के लड़के ये चोरी डकैती माफिया किस माने क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल ये भी है, सरकार आने के बाद क्या ये सरकार उनको सही रास्ता नहीं दे पा रही है? क्या इस सरकार में उनको उनको सही सही जगह उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रही है? आखिर इस तरह की डकैतियां क्यों बढ़ रही है? लड़के इस लाइन में क्यों जा रहे हैं? अरे ठीक है, आपका सवाल एक मिनट, ये जो सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, उसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं आपकी सरकार आते हुए ऐसे लोग की तादाद बढ़ गई है क्या, जो 18-20 साल के लोग हैं, जो बदमाश बन रहे हैं, जो इस तरह से अपराधी बन रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं सुचरिता जी, आंकड़े बता रहे हैं कि हत्या के मामले घटे, बलात्कार के मामले घटे, लूट के मामले घटे। अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर डकैती के मामले थे, तो मुलायम सिंह यादव जी के पिताजी ने जो है उनको खराब बना दिया था, या कांग्रेस की सरकार ने उनको डकैती के मामले में उलझा दिया था, या डकैत थे? कृपा करके बताइए। शिवपाल यादव पर बहुत सारे आपराधिक मामले थे, तो शिवपाल जी, और एक तो
आप जो सैफई महोत्सव करते हैं वो तो कुख्यात बलात्कार ही थे वहाँ के। 21 साल के लड़के श्री रणंजय सिंह यादव जो है वो कुख्यात बलात्कार ही थे सैफई के, जिनके बलात्कारी के नाम पे आप सैफई और बीच में चिल्लाने लगे। महाराज मैं आपको सुन रहा था ना, इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं, इतना आपका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है, आपके पास तर्क नहीं होता। अनुराग जी, अनुराग जी, एक-एक करके बात करें सर प्लीज, मैं किसी को बोलने नहीं दे रही जब आप बोल रहे हैं। हाँ, एक-एक करके बात करते हैं, बाएं बाएं साएं बोलते हैं। और मुद्दे पे मैं पूछ रहा हूँ ना, मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय मेरे एनकाउंटर का ऑर्डर निकला था और मैं जो हूँ साइकिल से वो जो है खेत खेत भाग कर इटावा से दिल्ली आया था। तो मुझे बताइए कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव जो है उनके एनकाउंटर करने का अगर प्रयास हुआ तो वो क्या था, वो संविधान का राज था, कानून का राज था कि नहीं था? ठीक, मैं एक बार वरुण जी आपके पास आ रही हूँ। वरुण जी, आपके नेता ने भी जब अखिलेश यादव ने पहली बार मंगेश यादव पर सवाल उठाया तो आपके नेता ने भी यही कहा कि देखिए जाति देखकर वहां पर एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति वाली जो एनकाउंटर की सोच है अब उससे हो क्या रहा है कि अब काउंटर और एनकाउंटर और एनकाउंटर वाली बात हो गई है कि किस जाति का इसका ठोका तो अब इसका भी ठोक रहे हैं क्या, ये वाली चर्चाएं होने लगी। ये बड़ी दुखद है, जैसा डीजीपी सर कह रहे हैं अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं, और मैं ये नहीं कह रही कि एनकाउंटर सही है, लेकिन पुलिस अगर अपराधियों पर लगाम न लगाए तो क्या करे। सुचारिता जी, योगी आदित्यनाथ जी का एक पॉलिटिकल एनकाउंटर तो 4 जून को हो गया, इतनी सीटें विपक्ष के आ गई, दूसरे अब उपचुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव आएंगे, तो ये सब पॉलिटिक्स तो चलेगी, क्योंकि अगर उनके जो मन में सपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने का जो था वो बिखर जाएगा, तो इसलिए वो इस समय ऐसे कर रहे हैं। जो अगर 7-8 साल से योगी जी की सरकार है तो एनकाउंटर ही एनकाउंटर करते रहोगे आप, तो आपने किया क्या, मतलब अपराधियों पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का कोई भय नहीं है। हर जिले में रोज़ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, रोज आती है जुडिशियल ऑफिसर आरोप लगाती है फिर सुसाइड कर लेती है, कई चीज़ कितने कितने अजीब अजीब विभत्स कांड उत्तर प्रदेश में रोज़ हो रहे हैं। असली बात यह है कि 7 साल में प्रशासन फेल हो गया, सारे नेता फेल हो गए। रही बात अपराधी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पर अपराधी बनता क्यों समाज में, अभी बदारे जी ने भी बताया क्यों बन रहे हैं, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। आपकी जो बड़ी सार्थक डिबेट आपने आज करी है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो फ्रेटर्निटी है उनके उनका ध्यान ही नहीं है कि क्यों अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्यों अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इनकी रूट कॉजेस क्या है। रूट कॉजेस पे जब तक ध्यान नहीं दोगे अपराध बढ़ता जाएगा, आप बच्चों का एनकाउंटर करते रहोगे तो उसमें कोई वीरता थोड़ी हो गई। आपने जुडिशियल प्रोसेस को भी बाईपास कर दिया और एनकाउंटर बच्चों का, बच्चे बन क्यों रहे अपराधी, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अभी विधानसभा चुनाव आने हैं, उपचुनाव आने हैं, उसको लेकर ये सारी बात हो रही। डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा चुनाव आने हैं इसलिए एनकाउंटर हो रहे हैं क्या, मामा जी भी रहे तो मुझे आप ये बोल रहे हैं। एनकाउंटर की जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हो रही है, और शंका क्यों हो रही है एनकाउंटर पे, जो आप पूछ रहे हो शंका क्यों हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार पे, वो इसलिए हो रही है कि टैनी का बेटा अगर मर्डर केस में आरोपी होता है तो उसको संबंध देते हो, चिन्मानंद के बलात्कार केस वापस लेते हो, बेटी का हाथरस में रात को शब्द संस्कार कर देते हो, दाह संस्कार। तो जिस सरकार की मंशा पे अगर प्रश्न चिन्ह है तो एनकाउंटर्स भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा, विपक्ष क्यों नहीं लगाएगा? आप जुडिशियल प्रोब कराइए, आपको अगर विपक्ष कोई लोकतंत्र में प्रश्न उठाता है, उसके पिता तो अखिलेश जी पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो ठाकुर और ये ठाकुर यादव वाली बात जो इतनी उछाल दी उस चक्कर में मेरे बेटे का भी एनकाउंटर हो गया, वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं उनको तसल्ली मिल गई होगी मेरा बेटा मारा गया है।